जीत के किनारे पर खड़ी केकेआर की टीम को आईपीएल मुकाबले में 10 रन से हराने के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी हो रही थी उसे देखते हुए यह बहुत ही शानदार वापसी रही। मुंबई इंडियंस की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 152 रन पर ऑल आउट हो गई थी। लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर ने 15 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 122 रन बना लिए थे और वहीं केकेआर को आखिरी 5 ओवर में जीत के लिए सिर्फ 31 रन चाहिए थे, लेकिन मुंबई के गेंदबाजों ने उन्हें सिर्फ 20 रन ही बनाने दिए। रोहित ने मैच के बाद कहा, जो भी गेंदबाजी करने आया वह टीम के लिए योगदान देना चाहता था। रोहित ने कहा, इस मैच से हमें काफी आत्मविश्वास मिलेगा। केकेआर ने शुरू के 6 ओवर में काफी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन पावर प्ले के बाद राहुल चाहर ने अहम विकेट चटकाकर हमारी वापसी कराई। कुरनाल ने भी बाद में बेहतरीन गेंदबाजी की और रोहित ने जीत का श्रेय गेंदबाजों को देते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं सभी गेंदबाजों की तारीफ करता हूं। रोहित ने कहा, ये लगातार दूसरी बार है जब हम आखिरी ओवर में रन नहीं बना सके। हम 15-20 रन और बनाना चाहते थे। और वहीं मुंबई के कप्तान ने सूर्य कुमार की तारीफ में बोला कि सूर्य कुमार ने उस लय को जारी रखा है जो भारतीय टीम के साथ देखने को मिली थी। वह बहुत बेखौफ होकर खेलते हैं। उनके बड़े शॉट खेलने से यह नहीं लगता कि वह कोई जोखिम उठा रहे हैं। ये थी आज की वीडियो। आईपीएल की ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।